हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये है व्लॉग जब हम मल्लेश्वरम गए थे। मेरी डॉटर का नीट वेरिफिकेशन था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी और हमारे घर से काफ़ी बहुत ही दूर था। नियरली एक घंटे का रास्ता था जाने के लिए कैब से, और यहाँ पे काफ़ी भीड़, समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे किस तरह से क्या होगा। पर सब काम ठीक से हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, तो आप देख सकते हैं ये आसपास। जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो गया हम आ गए। ये हमारे वापसी का है। क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। हम सब बहुत थके हुए थे, तो आने के वक्त ही लंच पार्सल लेके आए थे। नॉर्थ इंडियन थाली और साउथ इंडियन थाली सब लोगों ने हम खा लिए। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे होममेड पिज़्ज़ा। बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, इसलिए यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, 1 चम्मच सोडा और ये थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब है इसमें 1 कटोरी दही डालना है। दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देना है। ये देखिए, तो थोड़े 10-20 मिनट रखेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसका रोटी बनाना है। एक बड़ा रोटी बनाना है और एक छोटा रोटी। तो ये बड़ा जो बेस, आप इसको बेस भी बोल सकते हो, तो ये बड़ा बेस जो है इसको होल्स, फोक से होल्स बनाना है ताकि ये फूले नहीं जब ये तवे पर पके। और ये है अमूल स्प्रेड। ये बड़े वाले पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इसको स्प्रेड करना है। अब जितना ये चीज़ स्प्रेड डालोगे उतना ये टेस्टी बनेगा, उतना ये चीज़ ही बनेगा। तो ये जो चीज़ स्प्रेड है सिर्फ सेंटर में डालना है, बीच में ही, किनारों पे नहीं डालना है। तो आप देख सकते हो सिर्फ मैं यहाँ पे सेंटर में डाल रही हूँ। इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, जितना डालोगे उतना अच्छा रहेगा। ये दोनों बड़े और छोटे बेस को तवे पे थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हाफ पकाना है इसको। ये बड़ा वाला जो जब आप शेक लो फिर उसके ऊपर चीज़ स्प्रेड डालना है। अब ये है छोटा बेस, इसको मैं शेक रही हूँ। अब ये जैसे ही हाफ शेका जाएगा तो इसको मैं डालूँगी इस बड़े बेस के ऊपर जहाँ पे मैंने चीज़ स्प्रेड किया है। तो ये थोड़ा बन चुका है, तो ये मैं डाल रही हूँ छोटा बेस बड़े बेस के ऊपर जहाँ पे चीज़ स्प्रेड फैलाया है। और इसके किनारों को अच्छे से लॉक करना है ताकि ये चीज़ जो है बाहर ना आए। तो इसको अच्छे से पैक करके लॉक करना है। इस तरह से आप इसको दबाओ तो ये लॉक हो जाता है। इसको अच्छे से किनारों पे प्रेस करना है। तो ये हो चुका है स्प्रेड और ये प्रेस। और अब डालेंगे हम बटर, जो कि अमूल बटर है। इसको भी अच्छे से ज़्यादा लेके इसको अच्छे से साइड तक पूरा स्प्रेड करना है। ये किनारों तक आएगा तो अच्छा रहता है, खाने के वक्त टेस्टी लगेगा। तो ये किनारों पे और सेंटर पे पूरा स्प्रेड होगा। अब इसके ऊपर है टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस के साथ में सिज़ोन चटनी। ये दोनों ही मिक्स करके इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड करना है। ये दोनों मिक्स करके इसको अच्छे से स्प्रेड करना है।
और किनारों तक भी आप ये जितना डालोगे उतना अच्छा रहेगा। ये स्प्रेड हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चीज़, जो कि मोज़रेला चीज़, वो जो क्यूब्स आते हैं वो मैंने बड़ा क्यूब लिया है और इसको ग्रेट करना है इसके पिज़्ज़ा के ऊपर। तो जितना आप ये ग्रेट करोगे उतना ये पकने के बाद उतना चीज़ ही बनेगा। तो ये ऊपर वाला जो ग्रेटेड चीज़ है और उसके साथ अंदर जो हमने चीज़ स्प्रेड डाला है, दोनों का टेस्ट बहुत ही यमी आता है। आप बना के देखो, बहुत मज़ा आएगा। तो ये मैंने डाला चीज़ ग्रेट करके इसके ऊपर, और मैं ये तवे पर ही बनाती हूँ। आप देख सकते हो ये एक जर्मन की प्लेट है, इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है। अब ये है कैप्सिकम के पीसेस और ऑनियन कट करके पीसेस रखा है, और थोड़े से कॉर्न सीड्स, जो कि भुट्टा बोलते हो आप, तो वो मैंने घर पे ही बॉईल किया था और वो इसके ऊपर डाला है। इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आएगा। और इसके ऊपर फिर से जाएगा थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके। अब ये जो जर्मन की प्लेट है, इसके ऊपर जो मैंने पिज़्ज़ा रख के ही गार्निश किया है, तो यही प्लेट तवे के ऊपर रखना है। तवा आपको पहले से ही गर्म रखना है और इसके ऊपर ढक के आप 10-15 मिनट पकाओगे तो ये बन जाता है। ये बन चुका है, आप देख सकते हो ऊपर से चीज़ कितना चीज़ी दिख रहा है, और ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक बाय। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीड योर सपोर्ट, आप सपोर्ट कीजिए। जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय।